अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बड़े मज़ेदार सा हम एक केक रेडी करेंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, आज मैं बनाऊंगी कैरेक्टर केक, बनी केक। और मैंने खुद डेकोरेट किया है इसको, और मैंने इवन स्क्रैच से लेके एंड तक सर हर चीज़ खुद ही बनाई है। जो केक्स इसके अंदर मैंने यूज़ किए हैं वो मैंने खुद पतीले में बेक किए हैं। जो मैंने पहले इससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर जो है मैंने केक को पतीले के अंदर किस तरह से बेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप मैंने वो वीडियो अपलोड की हुई है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और घर में ही केक बड़ी आसानी से ये देखें बेक किए हैं। मैंने दो केक जो हैं गोल इस तरह से बेक किए थे। दो गोल केक बेक करने के बाद फिर मैंने इसको शेप दी है करेक्टर की, बनी की, तो वो अभी मैं आपके सामने शेप दूंगी कि इसकी किस तरह से हमने इसके एयर्स बनानी है, इसकी टाई बनानी है। ये जो ये वाला गोल केक है इसको तो हम फेस बनाएंगे। मैंने बीच में से इसको स्लिट कर लिया है। स्लिट करने के बाद जो है, क्योंकि बीच में भी हम क्रीम लगाएंगे, तो ये फेस है इसका, इससे हम फेस बनाएंगे। और ये जो सेकेंड वाला गोल केक है ये भी मैंने खुद ही बेक किया, पतीले में ही बेक किया है। तो इसके साथ जो है हम बाकी की कटिंग करेंगे, उसका बाकी का फेस बनाएंगे। तो आप मेरी वो केक की जो है वीडियो आप चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दूंगी, तो आपको पता चल जाएगा ये केक किस तरह से मैंने बेक की है। ये जो सांचा है मैंने इस सांचे में बेक किया। आप जिस सांचे में बेक करेंगे ना केक को, वही सांचा आप लीजिएगा इसके कटिंग के लिए, वो उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से कटिंग होगी। तो मैंने ये घर का ही एक बाउल लिया हुआ है, मैंने इसके अंदर ही मैंने केक बेक किया था। और इसी के साथ मैं इस तरह से इसको रख के, जिस तरह से आपको नज़र आ रही है इस तरह से रखिएगा। और ये एक इसका ईयर है, कान है बनी का, जो शेप हम बना रहे हैं करेक्टर केक की। तो कितने आराम से, कितने इजीली देखें कट हो रहा है। कट करके इसको इस तरह से, आप चाहें तो कोई और दूसरा मोल्ड भी ले सकते हैं। जिस मोल्ड में आप केक को बेक करेंगे उसी मोल्ड से आप इसकी कटिंग करेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगी। अदरवाइज़ आप एक पेपर से काट लें, पेपर के अंदर इस तरह की शेप काट के आप इसके ऊपर रखें केक के ऊपर, और उससे भी आप कटिंग कर सकते हैं। लेकिन इससे ये कि मेजरमेंट अच्छी आ जाती है। और देखिए मैंने इसको असेंबल करके आपको दिखाया तो कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसको जो है हम क्रीम से डेकोरेट करेंगे। क्रीम भी बनाना मैं अभी आपको बताऊँगी। बीच में से मैंने इनको स्लिट कर लिया था, कानों को भी मैं अभी स्लिट करूँगी, मींस केक के कान केक के कान को। अच्छा, ये पाइपिंग बैग के अंदर मैंने क्रीम जो है फिल कर दी है, कलर दे दिया, एक येलो कलर दिया है और एक ग्रीन कलर दिया है, उसका भी मैं अभी आगे जाके आपको बताऊँगी। ये वाली क्रीम मैंने यूज़ की है, ये यहाँ पर अलमराई की क्रीम मिलती है, तो ये बिल्कुल वाटरी क्रीम है। ये इसके ऊपर लिखा होता है व्हिपिंग क्रीम, जिसके ऊपर लिखा होता है व्हिपिंग क्रीम वही क्रीम जो है बीट होगी। जिसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम लिखा होता है वो ऑलरेडी व्हिप्ड होती है, ऑलरेडी थिक क्रीम होती है, उसको आप लाइन डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। ये व्हिपिंग क्रीम है। कुकिंग क्रीम भी होती है, वो कभी भी व्हिप नहीं होती। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है सिल्क विपी विप के नाम से एक आती है, एक सिल्वर आई थिंक से कोई नाम है, उस नाम से आती हैं वो वाली। ऑल पर्स की जो क्रीम है वो कभी भी व्हिप नहीं होती। इस तरह से आप व्हिप कर लें उसको, क्रीम को। मैंने कोई हाफ पैकेट जो है क्रीम का लिया था, ये फुल 1 kg का क्रीम का पैक था, 1 liter का सॉरी, और वो मैंने हाफ लिया है। शुगर डाली है, मैंने वनीला एसेंस डाला है इसके अंदर, और इसको अब मैं बीट कर रही हूँ और साथ साथ मैं आपको दिखा भी रही हूँ। और जितना चिल होगी ना क्रीम उतने अच्छे तरीके से बीट होगी। मैंने एक पहले भी वीडियो में आपको क्रीम बीट करना बताई हुई है, दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ कि क्रीम को यूज़ करने से 15 मिनट पहले जो है ऊपर फ्रीज़र में रख दें, ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए। और उसके बाद जो ये बाउल है इसको भी चिल करें 15 मिनट्स के लिए, भी इसको भी ऊपर रखें, और ये भी जितना चिल होगा, क्रीम जितनी चिल होगी ये बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आएगा इसका। और बिल्कुल ग्रीसी नहीं होना चाहिए बाउल जो है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं होना चाहिए इसको, और इवन गीला भी ना हो, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ नीट क्लीन करके तो उसके अंदर आप क्रीम डालेंगे। और जिससे आप बीट कर रहे हैं वो भी आपको जो है मशीन को नहीं, वो जो आगे जो दो उसकी वो नोजल्स होती हैं उसको आपने फ्रीज़र में ठंडा करने के लिए रखना है, जब ये सब चीज़ें ठंडी होंगी। इसके अलावा अगर फिर भी आपको मसला हो रहा है या वेदर बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आप बर्फ़ का एक बाउल लें, उसको रख के उसके ऊपर क्रीम का बाउल, ये जो बाउल है इसको बर्फ़ के बाउल के ऊपर रख के तो फिर बीट करें, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। बीट करने के बाद आप इसको फ्रिज में रख दें ताकि और अच्छे तरीके से फर्म हो जाए। अब ये मैंने आइसिंग करनी स्टार्ट की है, इसको फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ मैं इसकी केक की। मैंने केक को बीच में स्लिप कर लिया था, जो गोल वाला केक था,
और बीच में मैंने क्रीम लगाई है और उसके बाद दूसरा हिस्सा पर रख के अब मैं ये फेस है उसका बनी का बड़े आराम से पतीले के अंदर केक जो है बेक हो जाता है। आप बड़े आराम से आसानी से मैं स्टेप बाय स्टेप और हर स्टेप मैंने आपको दिखाया है 15 मिनट बाद 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद कि केक की क्या पोजीशन है पतीले के अंदर। तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया, वो ज़रूर आप चेक कीजिएगा और ख़ुद घर में केक बनाएं। और उसके बाद इस तरह से क्रीम मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से डिटेल में बता दिया किस तरह से उसकी फ्रॉस्टिंग को बड़े अच्छे तरीके से आप चाहें तो इसके अंदर घर की चीनी, मैंने घर की चीनी ही यूज़ की है, पिसी हुई चीनी यूज़ करें। और आइसिंग शुगर आप यूज़ करेंगे तो वो बड़े अच्छे तरीके से फॉर्म होती है, उससे भी क्रीम जो है वो मेल्ट नहीं होती। तो इस क्रीम को बार बार फ्रिज में रखना ज़रूरी है। वो जो पाइपिंग बैग मैंने आपको शुरू में दिखाए थे, मैंने उनके अंदर क्रीम कलर डाल के उसको पाइपिंग बैग में फिल करके फ्रिज में रख दिया। अगर मैं उसको बाहर रखूँगी वो फिर मेल्ट होगी। तो इसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि आपको थोड़ा सा काम करना है इसके ऊपर और उसको फिर से फ्रिज के अंदर रखना है। मैंने फेस के ऊपर क्रीम लगाने के बाद इसको फ्रिज के अंदर रखा था, उसके बाद 15 मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स के लिए या 15 मिनट जितना आपके पास टाइम हो ऊपर रख दें आप फ्रिज में, ऊपर फ्रीज़र में। तो ये होता है कि ये फिर मेल्ट नहीं होती, ये अपनी शक्ल होल्ड करके रखती है। अच्छा, मैंने एक एयर्स के ऊपर भी क्रीम लगा दिया, वो मैंने आपके सामने कट किए थे बीच में से, और आप चाहें तो कट करें, नहीं करना चाह रहे ना करें। मैंने बीच में भी क्रीम लगाई है, ऊपर भी क्रीम लगाई है। ये अब ये टाई है, ये जो फेस है ईयर्स है और ये नीचे उसकी टाई है, मींस उसका नेक है, नेक के ऊपर टाई लगी हुई है, उसको भी मैंने बीच में से स्लिप किया है। इस तरह से मैंने उसको रखा है और क्रीम उसके ऊपर मैं अब लगा रही हूँ और दूसरा हिस्सा उसके ऊपर रख के, तो हम ये पूरा ऊपर से वाइट आइसिंग क्रीम की जो है हम आइसिंग करेंगे, फ्रॉस्टिंग करेंगे। और बड़े आराम से देखें, कुछ भी नहीं, कोई इतना मुश्किल, कोई इतना हार्ड काम नहीं है, सब कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पैचुला नहीं है तो आप नाइफ़ यूज़ कर लें, स्पून यूज़ कर लें। और ये जो नीचे मैंने बाउल रखा है और उसके ऊपर मैंने ट्रे रखी है, देखें टर्न टेबल नहीं है तो घर के अंदर मैंने अपना टर्न टेबल बना लिया है। कोई भी ऐसा मुश्किल काम नहीं है जो हम ना कर सकें। नीचे बाउल को उल्टा करके रखें, उसके ऊपर आप अपना केक जिसके ऊपर प्लेट है या कोई ट्रे है, क्योंकि केक बड़ा था इसलिए मैंने ट्रे को उल्टा करके तो केक को उसके ऊपर रखा है। तो उस ट्रे को आप बाउल के ऊपर रख के तो आप इजीली उसको मूव कर सकती हैं, मूव करके चारों तरफ से केक को जो अच्छे तरीके से आइसिंग लग जाती है, मीन्स क्रीम लग जाती है। तो फ्रिज के अंदर रखना बहुत ज़रूरी है, थोड़ी देर बाद आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ इसकी जो क्रीम है वो मेल्ट होगी। और मैंने इसी क्रीम के अंदर कलर डाल के पाइपिंग बैग में डाल के उसको फ्रिज में रखा हुआ है, जो अभी मैं इसके ऊपर, इसको इतना नीट क्लीन करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसका फेस जो है थोड़ा सा हेरी सा दिखाना है। तो अब जो मैं पाइपिंग बैग में मैंने जो नोज़ल यूज़ की है वो मैंने स्टार नोज़ल यूज़ की है। अच्छा, इस स्टेज पर भी मैंने इसको फ्रिज में रखा था 15 मिनट्स के लिए, उसके बाद मैंने इसको 15 मिनट्स के बाद मैंने इसको निकाला, मैंने ये फ्रिज में से निकाली है। बाहर पड़ी रहेगी तो क्रीम मेल्ट होगी, मैं फिर कह रही हूँ, वो क्रीम चाहे आपने जितनी मर्जी अच्छी बीट की हुई है वो कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगी, उसको बार बार फ्रिज में ठंडी जगह पे रखना है। अच्छा, ये स्टार नोज़ल मैंने इसके अंदर यूज़ किया और मैंने येलो कलर इसके अंदर डाला हुआ है। अब मैं इस तरह से इसको पाइपिंग कर रही हूँ कि इस तरह से लगे जैसे इसके फेस पे थोड़े से हेयर्स हैं। तो ये येलो कलर का मैंने इसका फेस बनाया। आप स्किन कलर भी ले सकते हैं, आप लाइट येलो कलर ले सकते हैं, आप डार्क येलो कलर ले सकते हैं, आप इवन ऑरेंज कलर ले सकते हैं इसके अंदर फेस के लिए। तो आप पे डिपेंड करता है, वैसे भी बच्चे ज़्यादा कलर से ही फैसिनेट होते हैं, जितने खूबसूरत कलर होंगे तो ज़्यादा फैसिनेट करेगा बच्चों को। ये मैंने एक्चुअली अपनी बेटी के बर्थडे के लिए बनाया था केक खुद से घर में, 2 गोल केक बनाए हैं और कितने आराम से उसकी कितनी प्यारी शेप बन गई है। एक और मैंने एक केक की वीडियो अपलोड की थी करेक्टर केक की, वो मैंने कपकेक से बनाया था, मींस कपकेक बेक करें, इवन या बाज़ार से कपकेक ले आएँ और उसको बस इस तरह से रखें और उसके ऊपर शेप देके मैंने कितना खूबसूरत वो बनाया था स्नोमैन, उससे मैंने स्नोमैन बनाया था। आज मैं बनी का करेक्टर केक आपके सामने बना रही हूँ। ये जो दूसरी वाली मैंने ली है ये भी स्टार नोज़ल, आप कोई भी स्टार नोज़ल ले लें जो टाई के ऊपर आपने करना है, ये टाई है उसकी। तो ग्रीन कलर मैंने इसके अंदर डाला, आप ब्लू कलर ले लें, आप ग्रीन ज़्यादा डार्क कलर मीन्स जोन से कलर आपके पास अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं, यू कैन ऐड दैट इन ग्रीन। तो अब मैं ये एयर्स की आउटलाइन कर रही हूँ ग्रीन कलर से, अंदर मैंने उसको येलो कलर से फिलअप किया।
क्रीम के बारे में मैंने आपको बता दिया, बड़ा डिटेल में मैंने आपको बताया जितनी ठंडी, और यहाँ साइड्स पे आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से मर्ज़ी आपका दिल करता है आप ये डेकोरेट कर सकते हैं, चाहे तो आप वर्टिकली कर लें, चाहे तो आप हॉरिजॉन्टली कर लें, जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप इस तरह से कर लें, तो ये आप पे डिपेंड करता है। जो ये सब कुछ डेकोरेशन जो है अपने हाथ में, जिस तरह से दिल करता है आप उस तरह से करें। मैंने ये ग्रीन कलर से किया, आप किसी और कलर से, जो साइड्स हैं आप किसी और कलर से कर लें। दो कलर्स ही मैंने यूज़ किए हैं, इसके अंदर आप 3-4 कलर्स यूज़ कर सकती हैं, ज़्यादा फैसिनेट करेगा केक जो है बच्चों को। तो साइड्स भी मैंने उसकी कवर की हैं सारी, ऊपर फेस पे तो हम लोग करते हैं बट उसकी साइड्स भी कवर करनी है सारी। तो नीचे जो मैंने क्रीम लगाई थी, मैंने इसलिए उसको इतना स्मूथ नहीं किया क्योंकि मैंने ऊपर पाइपिंग बैग के ज़रिए पूरा केक कवर किया है इससे। तो इससे बड़ा अच्छे तरीके से, जिनको ये बिल्कुल जिनको नहीं करना आता, ये उनके लिए केक है बड़ा अच्छा सा, बड़ा कि बाज़ दफ़ा जो है इतनी नीट क्लीन फिनिश नहीं आती जब आप वाइट क्रीम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से नोजल्स के साथ आप क्रीम को यूज़ कर लें तो अपने आप केक बड़ा अच्छा हो जाता है। अब इसका जो मैं माउथ बनाऊँगी, जो लिप्स इसके या जो मुँह है जो इसका, वो मैंने ये ओरियो का बिस्किट लिया है, ओरियो का बिस्किट लेके उसको हाफ से कट करके, तो देखिए मैंने उसको वहाँ लगा लिया जिसका फेस है। और ये मैंने टॉफीज पकड़ी हुई हैं, टॉफी ले लें आप, नट्स ले लें, बादाम ले लें, आइस के लिए कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ये क्रीम ऊपर लगा रही हूँ इस तरह से, बिल्कुल डॉट डॉट मैंने रखा है तो वो आइस बन गई है उसकी। तो आप आइस भी जो है बादाम ले सकती हैं, आप अखरोट ले सकती हैं, इवन आप चॉकलेट रख सकती हैं, कोई मुंह की जगह आप कोई चॉकलेट रख सकती हैं, कुछ भी, वट एवर यू हैव यू कैन यूज़ दैट। और कितना मज़े का बनी केक जो है वो रेडी हो गया। होप सो कि मेरी आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, और मैं थक गई उस वक्त बोल बोल के इतना लंबा तो बहुत आसानी से, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का भी आपको पता चले। अब नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं केक जो है पैन के अंदर बनाना बताऊँगी, अभी मैंने पतीले के अंदर बनाना बताया, और इसके अलावा स्नैक्स में, स्नैक्स की रेसिपीज़ काफ़ी जो हैं अब नेक्स्ट मैं अपलोड करूँगी। और होप सो कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।